मालथोन में बीजेपी ने जन आशीर्वाद सभा आयोजित की। सभा को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संबोधित किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जातिवाद की मशाल हाथ में लेकर देश को जलाने निकले हैं। कांग्रेस ने भारत की सांस्कृतिक पहचान के चिन्हों को मिटाया है। दोनों लोग स्मार्टफोन में दोनों लोगों ने एक आम सभा को संबोधित किया और आम सभा के माध्यम से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो सारी योजनाएं जनता के बीच में रखी। जनता से आह्वान किया कि ये जो विकास की यात्रा चल रही है इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, देश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी स्वराज मध्यप्रदेश और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जताने की अपील हमारे नेताओं ने की है। विश्वास है कि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारी बहुमत के साथ मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। करेंगे देखिए, जब वो सवा साल तक उनकी सरकार तब आपको किसने रोका था, उस समय आपने क्या काम किए आप ही बताओ। आप सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे ऐसा क्यों, तो सरकार में आए थे और आपने जवाब दो कि आपने जो वादे उस समय जनता से किए थे क्या वो विश्वासघात नहीं था, क्या जनता के साथ धोखा नहीं था, पहले इस बात का जवाब दें फिर आगे की बात करें। ये एक बार रिजेक्टेड माल है और जब रिजेक्टेड माल है तो रिजेक्टेड माल को दोबारा लोग नहीं खरीदते और इसलिए अब कांग्रेस जो है वो रिजेक्टेड माल हो गई है, अब लोग उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, भूपेंद्र जी, ये भूपेंद्र यादव जी जिनका मैं बुंदेलखंड की धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, दूसरे भूपेंद्र जी जिनका मुरई में विकास किया उनका भी अभिनंदन है। कांग्रेस हमेशा छल प्रपंच की राजनीति करती रही है लेकिन जनता ने पहले भय समाप्त किया, इस बार लालच को भी समाप्त कर देगी। मुझे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरा जो आरोप है कांग्रेस पर कि वो तुष्टिकरण में अंधी हो गई है और परिवारवाद में तो वो पागलपन की सीमा पार कर गई। मध्य प्रदेश की जनता इन बातों को देख रही है और 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की वजह का परिणाम होगा। मैं पूरे की जनता का सदस्य आभारी हूँ। मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी ने कहा था ना कि कपड़े फाड़ो, वो बात तो कांग्रेस ने ईमानदारी से मान ली और जो वो हमारा मजाक उड़ाते थे हम लोगों का वो चित्र कांग्रेस के सामने आया, इसलिए ये तमाम नौटंकी करनी पड़ी कि इंटरव्यू से उठ के जाना और दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ के बाहर आना और ये कहना बताना पड़ रहा है कि नहीं हमारी जोड़ी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये विकास को आगे बढ़ाए ले जाने के लिए संकल्पबद्ध। इस चुनाव में आपने हमें मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से अपना आशीर्वाद दिया है और ये जो आशीर्वाद दिया है आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपको नमन करने आया है और फिर से आपका अभिनंदन करने आया है कि मध्य प्रदेश की जनता आज वापिस से फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के मन में सपना G20 हुआ तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है हिंदुस्तान का ऐसा विकास करना चाहते हैं जो वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, महिला आधारित विकास होगा और केंद्र सरकार ने
इस बार जब अपना बजट दिया था तो देश में 85 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारी जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, हमारे जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी की शासन मध्य प्रदेश में जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अब महिलाएं केवल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनेगी, हमारी लखपति दीदी करोड़पति दीदी बनने के रास्ते पे आगे बढ़ेगी। ये संकल्प मैं आपके सामने करता हूँ। हमारे नौजवान उस आकांक्षी भारत का निर्माण करेंगे जो चंद्रमा तक जाकर भारत का झंडा नहीं फैला रहे, भारत के विज्ञान को, भारत के विकास को, भारत के नवाचार को और भारत की संस्कृति और मान मर्यादा को ऊंचा बढ़ाने का काम करेंगे और एक मजबूत भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भूपेंद्र जी आगे बढ़ाओ, हमारे साथ हैं, भूपेंद्र जी आगे बढ़ाओ। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।